नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार, लगाव, देखभाल, संरक्षण, ये वो भावनाएं हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव होती हैं, और परिवार वो जगह है जहां ये सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या होता है जब ये मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती? रिश्तों में अपमान, स्वार्थ और लालच का वास हो जाता है, और ऐसे में जुर्म अक्सर अपने पैर पसार लेता है। कृष्णा, आज तूने फिर से होमवर्क नहीं किया ना? मैंने देखा था, तू आज भी क्लास के बाहर खड़ा था। बाबा को पता चला ना तो तुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। बाबा को बताएगा कौन? तू? कृष्णा, आज दूसरे गेट से चले। किस लिए? मैं इसी गेट से जाऊंगा, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और अगर डर के मारे तेरी बहन गिली हो रही है तो तू जा। अरे सुन तो, क्या हुआ था सर? वो यही है वो? हाँ दिल भैया, यही है वो। क्यों बे? मेरे भाई को डराएगा तू? दूध के दांत तेरे अभी तक टूटे नहीं है, और तू है के पीछे हट दे, गोली मार दूंगा, बोल रहा हूँ मैं तुझे, चल पीछे। क्यों बे? बच्चा समझ जाएगा तूने, हैं? ये खिलौने वाली बंदूक से डराएगा और डर जाएंगे हम लोग। ला दे, ला ला। पीछे हट। अरे ला दे। पीछे हट ला 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 ला। ए! वो गन तुम्हारे पास कहाँ से आई थी? सर बंटी झूठी कहानियां सुना रहा है। सर मेरे पास गन कैसे आएगी? सर उसके पास गन है, और ये पहली बार नहीं कि उसने हमें डरा है। ऐसे पहले भी है कि उसने हमें डरा है गन से। क्या रे, देख के नहीं चल सकता? ट्यूबलाइट तो तेरी आंखों में भी है ना, कि तू नहीं देख सकती क्या बे? चल रे हट मेरे रंग। तू मुझसे लड़ेगा? तू कहीं का दादा है क्या बे? क्या कर लेगा बे? मेरी तो देखो, मैं गोली चलाऊंगा। चल 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 चल, गोली मारूंगा। देख चल पीछे। मैंने घर जाके इस बात की कंप्लेंट दिलीप भैया से की थी। उठे तो सुनो ना। क्या करें आप? अभी तो गुंडागर्दी भी करेगा। कहां से मिली तुझे गन? किसका गन है? अरे बोल ना। एक मिनट, बच्चे से कोई ऐसे पेश आता है? हम लोग है ना यहाँ। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं है। बंटी झूठ बोल रहा है। औरे, सारे क्लासरूम छान मारो, आसपास कहीं भी देखो, हो सकता कहीं भी गन छुपा के रखा हो। चारों तरफ देखना, हर रूम में देखना। सर, बुलेट? सर इसका मतलब गन थी और उससे फायरिंग भी हुई है। और कुछ मिला? नहीं सर। कृष्णा के घर की तलाशी भी नहीं हुई। ऐसा नालायक बेटा होने से अच्छा है बे औलाद होना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस नालायक को सीधे जेल में डाल दीजिए। हे काय बोलते है तुम्ही?
हमारा कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसको तुम तो सर ऊपर भी कुछ नहीं है। बेटा इधर देखो, ये बात तो हमें पता है कि स्कूल में गन थी और उसे गोली भी चली थी, लेकिन तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। डरो मत कृष्णा, बताओ सच क्या है। सर उसी एरिया में एक लाश मिली है। लाश? चलो बॉडी की हालत देख के तो लगता है 10-15 दिन हो चुके हैं मरे हुए। एक काम करो पोस्टमार्टम के लिए भेज। आसपास का एरिया छानो जरा, देखो कुछ मिलता है क्या। सर तू कब? एक नंबर का झूठा ही नहीं बल्कि कातिल भी है। बोल उठा गन, कहाँ है वो गन और किस किस का जान लिया तूने? और तुम लोग क्या देख रहे हो, तमाशा चल रहा क्या? जाओ सच उगलवा के ही रहूंगा। तू वो बाजूला, ये पुलिस लोगों को भी बेवकूफ बना रहा है। वो मैंने मुझे नहीं पता गन का है। तुला नहीं माइक ना, तू वो बाजूला इसको मैं अभी चल। इसका दरवाजा किसी ने खोला ना ऊपर का तो देखना। सर बॉडी की शिनाख्त तब तक हो नहीं पाई है। हमने फोटोग्राफ्स आजू बाजू के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ सर। बैलिस्टिक रिपोर्ट? वो भी है सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 15 दिन पहले गोली लगने की वजह से हुई है। और सर .32 बोर के रिवॉल्वर से गोली चलाई गई और ऐसी ही गोली हमें स्कूल में पेड़ के यहाँ मिली। और एक खास बात सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गोलियाँ एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई। कृष्णा जो कह रहा था क्या वो सच था या फिर वाकई उसके पास कोई गन थी? पुलिस के सामने अब ये सवाल था कि जंगल में मिली लाश और स्कूल में चली गोली का आपस में क्या संबंध था और इस पूरे वाकये का कृष्णा से क्या संबंध था? मिलो पियो। इसे पहचानते हो? 15 दिन पहले इस आदमी का कत्ल हुआ है और हमने पता किया है जिस गन से इसका कत्ल हुआ है वो अब तुम्हारे पास है और इस बेसिस पे तुम्हें हम यहाँ बंद कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मेरे पास कोई गन नहीं है। ये सच है कि वहाँ एक गन थी पर वो गन मेरी नहीं, बंटी के भाई दिलीप की थी। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? अंकल मैं डर गया था, उस दिन दिलीप भैया ने गन लाई थी। रुक, गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। क्या हुआ सर? अरे हुआ क्या? सर सर आपको हर बार कृष्णा ही अलग लगता है ना? कितनी बुरी तरह से मारा है आपने उसे। बच्चा है वो, मासूम है वो, एक तो पहले से ही डरा हुआ है। मासूम नहीं, हाँ इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कैसे बाप है आप, बच्चे की बात सुने बिना ही उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते आप। एक तो बेचारे को किसने पहले से ही डरा दिया है गन से। मुझे तो ऐसा लगता है इसका स्कूल बदल देना चाहिए। अगर ऐसे माहौल में रहा ना तो वो और डर जाएगा,
वहाँ तो सरे आम गन दिखाते हैं। स्कूल को कोसने से पहले अपने बेटे को देखो तुम। इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, एक नंबर का झूठा है ये। इसने जरूर पुलिस को भी उल्लू बनाया होगा। मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, एक ना एक दिन ना इसकी वजह से हम बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। फिर मुझे मत कहना। वो गन तेरे पास कहाँ से आई थी? साहब मेरे पास कोई गन नहीं है, सारा काला चिट्टा है हमारे पास, समझा ना। बहुत मारामारी करता है, दादागिरी करता है तू। मारामारी के दर्जनों केस है तेरे ऊपर, और कृष्णा ने तेरे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। गन तेरे पास ही थी ना उस दिन? साहब वो झूठ बोल रहा है, मेरे पास भी गन है ही नहीं, बल्कि गन तो खुद उसके पास थी। मैं जानता इसे तू नहीं। साहब कौन है ये? वो है जिसकी गोली लगने से मौत हुई है। वो गोली उस गन से चली जो तेरे पास है। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई गन नहीं है, गन कृष्णा के पास थी। ठीक है देख लेते हैं, कृष्णा के पास थी या तेरे पास थी। मोरे सर, छोटे बच्चे की बातों में आके आप खामखा आपका समय बर्बाद कर रहे हैं सर। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी सलाह हमें आपसे नहीं चाहिए, समझे ना। उस लड़के पर तो उसके बाप को ही भरोसा नहीं है, फिर आप भरोसे के लायक तो आपका बेटा चंदन भी नहीं है। उसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, दिन भर अड्डेबाजी करते रहता है और रात को लेट घर पर आता है। क्या जानते हैं आप आपके बेटे के बारे में? बेटा एक बात बताओ, वो गन किसके पास है? सर वो कृष्णा के पास है। सर ये गन टॉयलेट के फ्लश में से मिला। अभी भी आपको कुछ कहना है? मैं मानता हूँ कि गन मेरे पास थी, लेकिन मैंने मारा नहीं किसी को। साहब गन तेरे पास कहाँ से आई? साहब मैंने ये गन मैंने कुछ दिनों पहले आफ्ताब भाई से ली थी, बस दूसरों को डराने के लिए, उन पर रॉब जमाने के लिए, बस बस। डराते डराते तूने किसी की जान तक ले लिया? नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा नहीं किसी को। सच बोल रहा है ना तू? गन सप्लाई करने का धंधा है ना तेरा? बोल वो गन तेरे पास कैसे आई और तूने दिलीप को कब दी? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, चार दिन पहले वो गन मेरे पास आई थी, तभी वो गन मैंने दिलीप को लाकर दी थी। क्या है ना साहब, पुलिस का दबिश का डर था इसीलिए। तू सच कह रहा है ना कि चार दिन पहले ही तूने गन दी थी दिलीप को? अल्लाह का समझा, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मुरे इस पे इलीगल आर्म्स सप्लाई का केस बनाओ। मुरे अगर चार दिन पहले इसने गन दिया दिलीप को, तो 15 दिन पहले उसी गन से किसने मर्डर किया? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है और इसके मुताबिक हमें जो डेड बॉडी मिली उसका मर्डर दिलीप के घर से जो गन बरामद हुई उससे नहीं हुआ है। इसका मतलब कृष्णा ने हमसे झूठ बोला? कृष्णा ने पुलिस से झूठ कहा था। एक तरफ एक 12 साल का लड़का गन लेकर घूम रहा था और दूसरी तरफ एक 20-22 साल का लड़का अपने घर के फ्लश में गन को छुपा कर रखता है, और उनके माता पिता को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहे हैं, पर क्या वो ऐसा कर रहे थे? बच्चों को सिर्फ स्कूल में एडमिशन दिलवाना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उनके विकसित होते दिमाग में अच्छी बातें और अच्छे विचार डालना। दिलीप और आफताब को इल्लीगल आर्म्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, और पुलिस ने कृष्णा के बारे में
और जानकारी जुटाने का फैसला किया। साहब, हद से ज्यादा सख्ती तो बच्चों को बिगाड़ी देती है, और वही हुआ कृष्णा के साथ, वरना कृष्णा इतना बुरा नहीं है। हाँ, वो नॉटी है, उसने बहुत बच्चों को परेशान भी किया है, पर आज तक उसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। पढ़ाई में कृष्णा का बिल्कुल मन नहीं लगता सर, इसलिए घर में और स्कूल में दोनों जगह हमेशा डांट खाता है। ये मर्डर 15 दिन पहले हुआ है, लेकिन किसी ने भी कृष्णा के पास 15 दिन पहले से ये गन नहीं देखी। गन उसके पास 2 दिन पहले आई थी। सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने मर्डर करके बाद में गन को छुपा दिया हो और इत्तेफाक से वो गन कृष्णा को मिल गई हो सकता है। पर मुझे ये जानना बेहद जरूरी है कि ये गन कृष्णा के पास कब, कैसे और कहां से आई। सर, इन सारे सवालों का जवाब खुद कृष्णा ही दे सकता है, पर वो इतनी आसानी से सारी सच्चाई नहीं बताएगा। मैं खुद इस नालायक से बहुत परेशान हूं, मुझे तो अब इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा। क्या पता इस गन से उसने किसी को, हमें नहीं लगता कि कृष्णा ने किसी का भी खून किया है, पर ये बात हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि गन उसी के पास है, और हम यही जानना चाहते हैं कि गन उसके पास कब और कैसे आई। साहब, इसके लिए आप हमसे क्या चाहते हैं? हम उससे अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोगों की परमिशन चाहिए। आपको उसके साथ जो करना है कीजिए, मेरा तो अब बस एक ही बेटा है, ये सचिन। बेटा, तुम्हारे छोटे भाई को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? ले बेटा, ले। अरे ले लो, तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ, मैं यार रोज आता हूँ कुल्फी खाने, पर कभी कभी पैसे नहीं होते हैं। अरे, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, और एक नहीं, दो दो कुल्फियां मिलेंगी रोज। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी उम्र का एक लड़का है और उसे गन मिलती है तो कहाँ मिली होगी? अरे डरो नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास गन है, मैं ही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी उम्र का लड़का है, स्कूल जाता है, अगर उसे गन मिलती है तो कहाँ मिली होगी? कहीं रास्ते में पड़ी होगी। कहीं भी मिली होगी तो मतलब कहाँ मिल सकती है? कहाँ से भी ना, मतलब नीचे से किधर गिरी होगी। अरे ऐसे कैसे कहीं किसी भी जगह मिल जाएगी? अरे वो इधर पड़ी होगी रास्ते पे। झूठ बोल रहे तुम। अरे सच्चे, ऐसा पड़ा होगा किधर, तो फिर उसको मिल गया? नहीं नहीं, ऐसे तू एकदम झूठ बोलो। अरे सच्चे, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा गिर गया होगा ना? ऐसे नहीं हो सकता ना, मुझे तो आज तक नहीं मिली। अरे सच्चे, स्कूल के पीछे मिला होगा। थैंक्स। स्कूल के पीछे, मोरे स्कूल के पीछे कृष्णा को गन मिलने का क्या कारण हो सकता है? यही जगह बताई थी, आसपास ठीक से ढूंढो। सर, डेड बॉडी। देखो, कोई आइडिया क्या? नहीं है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, कहीं ये खून कृष्णा की आंखों के सामने तो नहीं हुआ? केस में एक नया मोड़ आ गया था। कृष्णा ने पुलिस को जो गन मिलने की जगह बताई थी, वहां एक और लाश मिली। पुलिस को वैसे तो इस बात पर पूरा यकीन था कि खून कृष्णा ने नहीं किया, लेकिन अब वो ये समझना चाह रही थी कि क्या कृष्णा ने खून होते हुए देखा था, या फिर खून होने के बाद उसे यहां एक गन मिली। अगर कृष्णा ने यह मर्डर होते हुए देखा था तो वो इस केस को सॉल्व करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक यह मर्डर भी सेम गन से किया गया है, और यह मर्डर 4 दिन पहले हुआ है। एक गन से 15 दिन पहले एक मर्डर होता है, 15 दिन बाद उसी गन से 4 दिन पहले दूसरा मर्डर होता है, और वो गन अभी कृष्णा के पास है। सर, मुझे लगता है कि इस मर्डर से कृष्णा का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है।
हे वो कृष्णा, डरो मत, हमें खुल के बताओ, तुमने किसी का खून होते हुए देखा है? किसी भी व्यक्ति को किसी को मारते हुए? कृष्णा, जो गन स्कूल में थी वो कहाँ है? हमें वो गन चाहिए। देखो, अगर तुम इसी तरह से चुप रहोगे और हमें कुछ भी नहीं बताओगे तो गन रखने के जुर्म में तुम्हें जेल भी भेजा जा सकता है। बेटा, सर को सब बता दो, इनसे कुछ भी मत छुपाओ। तुमने किसी का भी खून होते हुए देखा है? एक काम करो, यहाँ अपने आदमी को तैनात करो जो 24 घंटे कृष्णा पे नजर रखे। गन को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। बॉडी की शिनाख्त हुई? नहीं सर, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले मुझे एक कार यहाँ मिली थी, पता नहीं कौन पार्क करके गया, अभी तक कोई लेने भी नहीं आया। सर आइए, ये है वो कार, चेक करा। चंदन शर्मा, अरे सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी है। हमें एक कार में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिस पर चंदन शर्मा नाम लिखा हुआ है और वो चारकोप का रहने वाला है। हमें तुरंत उसके घर पहुंचना होगा। ओके सर। सर यही घर है। कोई नहीं है, पड़ोसी से पूछताछ करो। चंदन यही रहता है? हाँ सब। अकेले रहता है या किसी के साथ? चंदन अपनी पत्नी शिवानी के साथ रहता है, पर पिछले कई दिनों से उनका आता पता नहीं है। लास्ट टाइम कब देखा था? और यही कोई 4-5 दिन पहले। पहचानती? नहीं साहब, इसको कभी नहीं देखा। चाबी वाले को बोला। यहां तो सब ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कोई स्ट्रगल हुआ है, कोई झगड़े की भी निशानी नहीं लग रही। एक काम करो, सर्च करो पूरा। ये देखिए फोटोग्राफी, यही है चंदन की पत्नी शिवानी? नहीं साहब, ये चंदन की बीबी नहीं है। हमें आपकी मदद चाहिए शिवानी का स्केच बनाने के लिए। अगर ये चंदन की पत्नी नहीं है तो ये औरत कौन है जो चंदन के साथ दुल्हन के कपड़े में है? शिवानी जो चंदन की पत्नी बनके यहां रह रही, वो कहां है? सर, डैमेज फोन मिला सर। सर, इसमें तो सिम कार्ड भी है। एक काम करो, सिम कार्ड को जांच के लिए भेजो और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर।
जाता है इस लड़के का, क्या करूं मैं? इतनी छोटी उम्र में इतना सारा झूठ, और अब ये रिवॉल्वर। इसमें गलती शायद हमारी है, हम इसे समझ नहीं पाए। जब भी बात की, डांट के ही की, प्यार से बात तो सिर्फ सचिन के साथ की। अगर कृष्णा आज गलत राह पे चल रहा है तो इसमें गलती हमारी है। सर, सर चंदन के घर पे जो हमें सिम कार्ड मिला था ये उसके कॉल रिकॉर्ड से, और कुछ नंबर ऐसे मिले हैं जिन पर बार बार फोन किया गया है। किसके नंबर सही है? सर एक तो अंतरा का नंबर है और दूसरा नंबर शिवानी का है, लेकिन शिवानी का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। शिवानी का नंबर सर्वेलेंस पे डालो और एक टीम को अलर्ट करो, कहो जैसे कोई हरकत हो हमें बताएं, और अंतरा का एड्रेस पता करो। ओके सर। ए कृष्णा, चल मैं तुझे कुल्फी खिला दूँ। अरे देख क्या रहा है, चल कुल्फी खा के आते। चल, तुझे कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? अंतरा देखो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम घूमने जाएंगे और फिर डिनर पे। जी अच्छा। आप लोग यहाँ कैसे और बात क्या है? क्या बात है? अंतरा कहाँ है? उससे कुछ पूछताछ करनी है। पर बात क्या है? ये इसके पहले के कुछ पैसे बाकी थे ना, हाँ ये लीजिए। अब साहब पिछला हिसाब खत्म। और आगे से ये जब भी आए इसे कुल्फी दे देना, अब पैसे बाद में मुझसे लेना। ठीक है ठीक है। पर हाँ, एक दिन में सिर्फ एक ही कुल्फी, उससे ज्यादा नहीं। बेटा। अरे ये, अरे ये ले 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 ले। अरे ये हे बक कृष्णा, हम लोग तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सचिन से। हाँ, बीच में तुम पर से थोड़ा ध्यान हट गया था, पर आगे से नहीं, अब से मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। हाँ, फिर तुम्हें सचिन से भी ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, हो ना? नहीं, आप मुझे नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, सचिन से प्यार करते हो। और अपने आई को भी कहा था कि मेरा एक ही बेटा है सचिन, मुझे नहीं चाहिए कुल्फी। कृष्णा, चंदन शर्मा को जानती हैं? जी वो देखिए, आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पूछताछ कर रहे हैं अच्छा है, पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ की तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप चंदन शर्मा को जानती है या नहीं? जी हाँ, वो मेरे भाई हैं। तब तो ये भी जानती होंगी कि वो कहाँ है अभी। देखिए, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन उस इंसान ने एक भी बार अपना मुंह नहीं दिखाया। हाँ, एक बार पैसों की जरूरत थी तो आ गया था, लेकिन ये सब बात अब हमें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चंदन को किसी ने मार दिया है। संभाल अपने आप को। सर, ये औरत तो झूठ बोल रही है, क्योंकि फोटो के हिसाब से तो वो उसकी बीबी लग रही थी। एक काम करो, इस पर नजर रखो, अपना एक कांस्टेबल यहाँ तैनात करो सिविल में। ओके सर। तू ऐसा क्या बोलता है कि तुझे कोई प्यार नहीं करते? मैं तुझे प्यार नहीं करती? हाँ, तेरे बाबा तुझे प्यार नहीं करते? सचिन तुझे प्यार नहीं करता? हाँ? बोल ना सचिन। मैं तो करता ही हूँ ना। बाबा मेरे से प्यार नहीं करते, बस मारने को आते हैं, और आप भी उनका साथ देते हो।
कृष्णा बड़ा है बग इधर आ। अरे ऐसा काही नहीं रे हाँ? देख जो हो गया सो हो गया, अभी से हम दोनों दोस्त हाँ? नहीं हम तीनों साथ में पढ़ेंगे खेलेंगे टीवी देखेंगे होगी नहीं। आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा सच में नहीं मारूंगा तुम्हें। आप और इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदमाशी करो हुँ? मैं भी बदमाशी नहीं करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। सचिन अरे बाबा वो हाई फाई देते हाँ हाई फाई लेकिन अभी हम सब लोग एक साथ खाली फायर करेंगे पहले। अच्छा और मैं भी। अरे चंदन के कत्ल के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? अगर तस्वीर वाली बात पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि अंतरा उसकी पहली बीवी है। लेकिन सर अगर अंतरा उसकी पहली बीवी है तो उसको भाई क्यों बुलाएगी? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। या तो अंतरा ने अपने पति के साथ मिलकर चंदन को खुद मारा या फिर किसी और से मरवाया या उसकी अब की पत्नी शिवानी ने उसे मारा और अब गायब है। साथ ही हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि जो बॉडी हमें सबसे पहले मिली थी उसमें और चंदन की बॉडी में कोई कनेक्शन है या नहीं। मतलब मेरा शक सही था कि गन तुम्हारे पास थी। इनफैक्ट स्कूल के पीछे तुमने मर्डर होते हुए देखा था। कातिल ने गन फेंकी या गलती से गिर गई और तुमने उसे उठा लिया। इधर बैठा ले कृष्णा। कीर मुझे हलवा चाहिए। अपने कीर क्यों बनाई? ये कीर इसलिए बनी है क्योंकि ये सचिन की फेवरेट है और ये उसके लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आया है। तुम्हारी गन नहीं सिर्फ पासिंग मार्क्स। चुपचाप खीर खाओ। मैं खीर नहीं खाऊंगा मुझे हलवा चाहिए। कृष्णा अगली बार मैं बनाऊंगी हाँ अभी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। कृष्णा कृष्णा से पहचानते हो? और इसे? नहीं सर इनमें से कोई नहीं है। तुमने उस औरत को देखा था? अगर उसका हुलिया याद हो और हमारी मदद करो उसका स्केच बनवाने में तो अच्छा होगा। सर अब मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने खून होते हुए देखा था पर दूर से। गोली चलने के बाद मैं डर गया था इसलिए उस औरत का चेहरा मैं अच्छे से नहीं देख पाया। पर वो मेरे सामने आएगी तो मैं पहचान लूंगा सर। चूंकि तुम पुलिस की मदद कर रहे हो इसलिए कोर्ट से हम गुजारिश करेंगे कि तुम्हें माफ कर दें। धन्यवाद सर। पुलिस को इस केस में कृष्णा से जो मदद की उम्मीद थी वो अब कम हो गई थी। क्राइम सीन देखने के बाद भी कृष्णा कातिल को पहचानने में नाकाम रहा था। पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई थीं, लेकिन उनकी तहकीकात पूरे जोर शोर से जारी थी। कृष्णा तूने तो कहा था कि तूने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा है। अरे देखा था पर इतने अच्छे से नहीं। देख कृष्णा तो इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है ना। बाऊ मैं सच में पुलिस की मदद करना चाहता हूँ पर मुझे पहली बार किसी से तो इम्पोर्टेंस मिली है। माँ बाबा भी बदल गए है। मैं बस यही चाहता था पर अब मेरे माँ बाबा के दिमाग में तो कुछ डाल मत देना प्लीज। सर शिवानी का फोन ऑन हुआ है
लेकिन उसने नया सिम कार्ड लिया है। हमने सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से उसका एड्रेस निकलवाया है सर। वेरी गुड, बोले यही वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि शिवानी ने अपने हस्बैंड को मारा या किसी और की मदद से उसका कत्ल करवाया या उसे इस केस के बारे में कुछ और जानकारी है। सर जल्द से जल्द उसके ठिकाने तक पहुंचना पड़ेगा। चलो सिविल ड्रेस में यहाँ पर निगरानी रखो और जैसे कुछ पता चल रहा है तुरंत हमें खबर कर देना। यस सर। ठीक है। भाई नहीं पति था। सच सच बताओ, चंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता था? शिवानी गंज सब में क्या रोल था बताओ। से मिलना है। कहाँ है वो? साहब वो तो घर पे नहीं है, बाहर गए। कब गए? 4-5 दिन पहले। तुम तो अपने पति के साथ चारकोप में रहती थी ना, फिर यहाँ कब आई? और तुमने अपना फोन नंबर भी चेंज किया, क्यों? साहब ये घर भी मेरा ही है और नंबर। आपने कहा कि आपके पति 4-5 दिन पहले बाहर गए, फिर ये कौन है जिसकी 8 दिन पहले मौत हुई? चंदन देखो ये नाटक बंद करो, क्योंकि हमें पता है कि तुमने अपने पति का खून किया, फिर तुम यहाँ रहने के लिए आई और अपना नंबर भी चेंज किया, है ना? नहीं साहब, मैं क्यों खून करूंगी? मैं अपना पति का खून क्यों करूंगी? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, सगड़ा घर नीट बगा बगा कहीं सापड़ देगा। सर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इतने सारे दूल्हा दुल्हन के फोटो और हर फोटो में पंडित और कन्यादान करने वाले माँ बाप भी से हैं। ये बताओ कि तुम लोग की शादी कैसे हुई थी? ये सर हमारी शादी तो मैट्रिमोनियल एड के थ्रू हुई थी। इनमें से किसी को जानते हो? सर यही तो पंडित है जिसने हमारी शादी करवाई थी, यही चंदन और अंतरा के माता पिता है जिन्होंने कन्यादान किया था। न जाने इस चंदन की कितनी बहनें हैं और न जाने इसके माँ बाप ने कितने कन्यादान करवाए हैं। सब यही वो बड़जी है जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी। क्या हुआ साहब? चलो बड़े साहब। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो। हाँ साहब, चंदन मेरा पति था, मैं इस धंधे में और आगे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से आ गई और अपना नंबर भी चेंज कर दिया। धंधा? कैसा धंधा? सब शादियों का धंधा। चंदन सबसे पहले खूबसूरत और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसता था जो कि अनाथ होते थे या फिर गरीब घर से। पहले तो खुद शादी करता था उनसे, उसके बाद रईस, बुढ़े, बदशक्ल, अपाहिज
आदमियों से उनकी जबरदस्ती शादी कराता था जिन्हें लड़कियां नहीं मिलती थी शादी के लिए, और इसके बदले मोटी रकम मांगता था उनसे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, इस बात पे हम दोनों के बीच झगड़े भी हुए, लेकिन वो नहीं माना साहब। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुमने उसे मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा, वो जैसा भी था वो मेरा पति था। पहचानती हो इसे? साहब ये तो मंजूनाथ है, ये भी चंदन का क्लाइंट था, एक लड़की की शादी इससे भी कराई थी चंदन ने। इसकी बीवी का पता बताओ। बताती हूँ सर। जी मुंबई पुलिस। मैंने चंदन को भी मार डाला। मैं भी चाहती थी प्यार करने वाला पति मिले, पर मुझे चंदन जैसा दरिंदा मिला जिसने मुझे शराबी जुआरी के हाथों बांध दिया साहिब, और मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। बहुत बदनामी होती है साहिब। एक दिन मैंने अपने पति को चंदन से मिलने की बात करते सुना। चंदन नर भाई, अरे कहाँ है भाई? अरे नहीं यार चंदन, मैंने ट्राई किया था। अच्छा मिलते हैं ना कल ठीक 9 बजे। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं दोनों से बदला लूंगी। मेरे पति के पास एक इलीगल गन थी जो मैंने छुड़ा ली और उसका पीछा किया। मैं दोनों को साथ तो नहीं मार सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति को पहले मार डाला। नहीं तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ मासा। 15 दिन बाद मैंने उस चंदन को भी उसके किए की सजा दे दी साहेब। बस चंदन बस, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। बहुत इस्तेमाल किया ना तूने मुझ जैसी लड़कियों का, आज तुम्हारा खेल खत्म। नहीं नहीं क्या हो बजना, उसको भी मार डाला मैंने। वो कभी ना हम जैसी औरतों को अपना शिकार बनाता था साहेब, इसी ने पहले उसको भी मार डाला। इतना सब करने की जगह तुमने पुलिस की मदद ली होती तो वो जिंदा सलाखों के पीछे होते, तुम यहां नहीं होती। शिवानी को चंदन के फ्रॉड्स में उसका साथ देने के लिए और उपासना को चंदन और मंजूनाथ के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि कृष्णा ने पुलिस की मदद की थी इसलिए कोर्ट ने उसे हथियार रखने के जुर्म में वार्निंग देकर छोड़ दिया है। चंदन ने जिन लड़कियों के साथ फ्रॉड किया था उनमें से ज्यादातर अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके परिवार वाले समाज के डर से उन्हें वापस नहीं अपनाएंगे। ऐसे परिवारों द्वारा अपनी बेटियों को संरक्षण ना देने की वजह से लड़कियां इस जुर्म का शिकार हुई और उनमें से उपासना तो अपराधी भी बन गई। जरूरत है ऐसी मानसिकता को बदलने की, जरूरत है परिवार में आपसी रिश्तों को मजबूती देने की ताकि अगर घर का कोई भी सदस्य मुश्किल में पड़ जाए तो हम उसका सहारा बन सकें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.